इंजीनियर रशीद का आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 370 की बात करते हैं, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को खत्म कर दिया गया है। और अगर अमित शाह जी भी जम्मू आए थे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर की बात करो, वो हमेशा यही कहता है कि आर्टिकल 370 जो है वो दफन हो चुका है और आर्टिकल 370 कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन इंजीनियर रशीद जो है वो तिहाड़ जेल से छूटकर जैसे ही वादी कश्मीर पहुंचे, उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये किस तरह से वापस लाना है ये हमें पता है, और आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए हमें एक साथ होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नैरेटिव के नए कश्मीर को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर में छोड़ा हुआ एक बुलबुला था, जो बुलबुला आज जो है वो फट गया है और ये नया कश्मीर जो है वो कभी नहीं बन पाया। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं भारत का दुश्मन नहीं हूं और ना ही मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, मैं अपनी आत्मा से बात करता हूं और मैं अपनी अंतरात्मा की ही सुनता हूं। 5 अगस्त 2019 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे गलत तरीके से हटाया गया, तब सबको जो है वो घरों के अंदर बंद कर दिया। और आज उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, अगर वो कहता है कि हमारी सरकार बनने के बाद में जो है आर्टिकल 370 वापस आ सकता है या हम वापस लाएंगे, तो मैं उनका समर्थन करता हूं और मैं तमाम लोगों को ये कहूंगा कि आप इंडिया ब्लॉक को जो है वो वोट करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आर्टिकल 370 वापस लाना होगा तो दोबारा से हमें जो है विरोध करना होगा सरकार का, जो लालचों का आज आपको बहुत सजा हुआ दिखता है, जिस लालचों के पास आपको दुनिया भर का हिजूम दिखता है, जिस लालचों के पास आज आपको शांति दिखती है, आपको उसी लालचों पर जो है वो प्रोटेस्ट करना होगा और प्रोटेस्ट के साथ साथ आपको डंडे खाने के लिए भी जो है वो तैयार रहना होगा, क्योंकि गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया है हमें उसी पर चलना होगा। और अगर आपको लगता है कि शांति से हमें आर्टिकल 370 वापस मिल जाएगा तो वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा कि तिहाड़ जेल से छूटने के बाद इंजीनियर रशीद ने कश्मीर में भी जो है वो एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद इंजीनियर रशीद ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो कुर्सी के लिए लड़ रहा है और मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा हूं और मैं कश्मीर को वाकई में नया कश्मीर बनाना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नया कश्मीर है ये कश्मीर तो मुझे कहीं दिखा नहीं। हां, मेरा कश्मीर जो है वो खामोश जरूर हो गया है। जिस कश्मीर में लोग बातें किया करते थे, अब आप कुछ भी पूछ लो लोग जो है वहां पर बात करने से कतराते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर इतनी सारी बातें कहता हूं आपको लगेगा कि मैं पाकिस्तान का एजेंट हूं, मैं कोई पाकिस्तान का एजेंट नहीं हूं, मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूं, लेकिन वतन से मोहब्बत करने के साथ साथ मैं अपने वादी कश्मीर से मोहब्बत करता हूं और इस कश्मीर को आगे तक लेकर जाना जो है वो मेरा फर्ज है। और आर्टिकल 370 की बात करने पर अगर ये मुझे कहते हैं कि आप गुनहगार हो तो मैं गुनहगार ही ठीक हूं, लेकिन मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 खत्म करने से हमारा मुस्तकबिल जो है वो खत्म हो गया है। आर्टिकल 370 जो है वो वापस आना चाहिए। इसके लिए महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और पूरे होल इंडियन ब्लॉक की उन्होंने बात की, इंडिया ब्लॉक की बात की। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक मुझे आश्वस्त करता है, वो ये मुझे कहता है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 वापस आएगा, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। मैं खुद अपने सारे वोटर्स को कहूंगा जो मुझे वोट करने वाले हैं कि आप उन्हें वोट करें, क्योंकि वो आर्टिकल 370 लाएंगे और यही वो आर्टिकल 370 है जो हमें महफूज रखता है, जो हमारी आइडेंटिटी को महफूज रखता है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कह दिया कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कश्मीर में ये बदला है, कश्मीर में वो बदला है, कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। कश्मीर जो है ये डेवलपमेंट है, जो आपको दिखाई जा रही है ये डेवलपमेंट है, इसके साथ कश्मीर को और भी बहुत सी चीजें चाहिए। कश्मीर के युवाओं की भी उन्होंने बात की, जिस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो जेलों में बंद है, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है। मैं जेल में रहकर आया हूं, मैंने देखा है किस तरह का सलूक होता है, किस तरह से वो अंदर रहते हैं, तो इस चीज को लेकर भी जो इंजीनियर रशीद ने कहा वो फाइट करेंगे। लेकिन अभी इंजीनियर रशीद जो है वो यहां पर बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि तिहाड़ जेल से उन्हें बाहर लाया गया है ताकि वो इलेक्शन रैलीज में, इलेक्शन कैंपेन का जो है वो हिस्सा बन सके। और आपने देखा कि उनकी अवामी इतिहाद पार्टी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, जो अभी हाल ही में असेंबली इंतखाबात है। लेकिन फिर से इंजीनियर रशीद की जो है उन्हें इंटर्म बेल मिली, उन्हें वापस जाना होगा। लेकिन ऐसे में इंजीनियर रशीद जो है वो एक सिनेरियो बदलने के लिए आए थे, वो सिनेरियो क्या बदलेगा? जिस तरह से नए कश्मीर की बातें की उन्होंने, उन्होंने कहा कि कश्मीर को उनका हक बस
एक ही चीज दे सकती है, वो है 370 और उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा जब तक 370 नहीं मिल जाता। उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला को जो है वो एक मंच पर आना होगा और एक मंच पर आने के बाद उन्हें कश्मीर की बात करनी होगी। इल्तिजा मुफ्ती की बात करते हैं आज तो आर्टिकल 370 पर वो भी बात कर रही है, हालांकि अगर उनकी अम्मी की बात करते हैं महबूबा मुफ्ती वो भी आर्टिकल 370 पर बात करती है। अगर आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी आर्टिकल 370 पर है, लेकिन कांग्रेस का कोई क्लियर स्टैंड जो है वो आर्टिकल 370 पर नजर नहीं आता। लेकिन कांग्रेस भी जो है वो अलायंस में है, कांग्रेस भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात यह होगी जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो 370 की मांग भी करती हैं, वो कहती है हमारी सरकार आएगी तो 370 आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 370 जो है वो कभी वापस नहीं आएगा, वो इतिहास का पन्ना है। अब आपको स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होगा कि कभी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 भी जो है वो हुआ करता था। लेकिन ऐसे में इंजीनियर रशीद ने एक बार फिर से आवाजें बुलंद की है 370 को लेकर, आप लोगों की क्या राय है? आफ्टरऑल में जम्मू कश्मीर के लोगों से ये सवाल रहेगा मेरा, क्या वो वाकई में चाहते हैं 370 के बारे में? वो क्या सोचते हैं 370 के बारे में? वो क्या चाहते हैं 370 के बारे में? क्योंकि 370 आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 5 अगस्त 2019 को पूरे जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया था, और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें वो भी कहती है कि गड़े मुर्दों में दफन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उसने भी स्टेटहुड के लिए कहा था, 370 के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा। तो लेकिन आप लोगों की क्या राय है और आप लोगों को क्या लगता है बदलते हालातों के साथ 370 का आना जम्मू कश्मीर में पॉसिबल है? आपको लगता है सरकार अगर इंडिया ब्लॉक की आती है, सरकार किसी और की आती है तो 370 आ सकता है, या आपको लगता है कि 370 अब कभी वापस नहीं आ सकता? इस पर आप जरूर कमेंट करें। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।